नमस्कार। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि लोग आपको जब जरूरत होती है तब याद करते हैं, क्योंकि एक बात बताएं आपको, मोमबत्ती को हम जब भी ढूंढते हैं जब अंधेरा होता है। तो सोच लीजिए मोमबत्ती की हमारे लिए, यानी एक कैंडल की हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही उस व्यक्ति के लिए आपकी इम्पोर्टेंस उस टाइम पे जब वो आपको काम के लिए ढूंढ रहा है, इसका मतलब आप कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। इसलिए नेगेटिविटी हटाइए। ठीक है ना, लोग आपको काम के वक्त पूछते हैं ना, आप उनका काम भी तो करते होंगे ना। क्लियर मेरी बात? चलते हैं हम अपने टॉपिक की साइड। कैश बुक पढ़ा रहे थे हम आपका, और कैश बुक का आज हम पार्ट थर्ड और एक लास्ट पार्ट हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। कैश बुक में हमने पढ़ाया था आपको सिंपल कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक, और आज हम आपको पढ़ाएंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, ठीक है, पेटी जैसे इसके नाम से क्लियर है, पेटी कैश बुक। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताएं कि ये क्यों बनाते हैं भैया। देखो, कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, यही बताया था हमने, ठीक है। यही हम आज हुए, यही वाली बात बता रहे हैं कि कैश बुक में कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप समझें, आपका एक बड़ा एंटरप्राइजेस है, उसमें कितने सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, कन्वेंस है, हम फेयर है, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना, टी पान, छोटे छोटे खर्चे, जैसे कि ब्रेकफास्ट का खर्चे हो गए हमारे, इतने सारे एक्सपेंसेस। तो अगर हम इतने सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग बनाते रहेंगे और एंट्रीज पास करते रहेंगे या कैशबुक में पढ़ा चढ़ाते रहेंगे, तो सोचिए कैशियर हमारा कहाँ और कितना ओवरबर्डन हो जाएगा। बस इसीलिए इस कैशबुक के काम को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या बनाया जाता है, पेटी कैशबुक, एनालिटिकल पेटी कैशबुक बनाई जाती है। इसमें उस टाइप के छोटे छोटे खर्चों को यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे पोस्टेज है, कन्वेंस के लिए, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए, या फिर जैसे बस फेयर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप के खर्चों के लिए, या और भी कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो बहुत कम आते हैं, उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक एनालिटिकल पेटी कैशबुक तैयार कर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को, है ना। इसलिए और इसमें क्या होता है, ये कैसे, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें जैसे इंप्रेस सिस्टम होता है, इंप्रेस सिस्टम जानते हैं ना, कि पहले से आप उसमें थोड़ा सा, इसमें जो भी कैशियर होता है वो अपने एक प्रेडिक्शन के हिसाब से या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ रुपए इसमें अकाउंट में डाल दिए जाते हैं इंप्रेस के, ठीक है, और उसमें से उसको अपने डेली डेली में खर्च करते रहते हैं। फिर जो बचता है पैसा, उसको फिर नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम, है ना, जानते होंगे, जैसे हॉस्टल में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनके इंप्रेस्ड अकाउंट होते हैं वहाँ पे, उसमें रुपए एक साथ में पेरेंट्स डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे बच्चे को एक्सपेंसेस उनके होते रहते हैं, और फिर से वो उसमें ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। तो ये पूरा अमाउंट नहीं, बल्कि हम ये सोच करके उस अमाउंट डाल देते हैं कि भाई 5,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा इस मंथ, 15,000 है, ऐसे ही ये कैशियर भी यहाँ पर काम कर देता है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये अब ये हम ये इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि एनालिटिकल कैश बुक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है भाई। तो हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस लिख दी है यहाँ पर, एडवांटेजेस लिख दिए, तो ये सेविंग ऑफ टाइम सेव हो जाता है, यहाँ पर काम हो जाता है। और यहाँ पे अभी हम एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से इसका क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाता है, तो टाइम से, यानी कि कैश बुक में अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ कर देते हैं तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। इसके ऊपर सिंपलेस्ट मैथड है, बहुत ही सिंपल है, और कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। अब हमको पता है कि हमारे पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं, तो हम अपने एक्सपेंसेस को 500 के अंदर ही करने की कोशिश करेंगे ना, इसका मतलब बहुत हद तक पेटी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अपडेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपर तरीके से अपडेट बने रहते हैं, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम उसमें लगातार लिखते रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चेक हम अभी आपको बाद में बता देंगे, ये पोस्ट जैसे बता दिए, पोस्टेज, टेलीग्राम, कार्टेज, कैरेज, स्टेशनरी, इंप्रेस सिस्टम से बनता है ये एनालिटिकल पेटी कैशबुक का, एक में फॉर्म बनाया हुआ, ये भी समझा देते हैं। लाइए, अब देखिए इसमें अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट इसमें एक बार में इंप्रेस्ड अकाउंट में हम डाल देते हैं, जैसे माना 5,000 है तो हम यहाँ पर 5,000 आ जाएगा कि डेट के हिसाब से यहाँ पार्टिकुलर्स में, और यहाँ पर हम इन खर्चों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, जैसे ये पोस्टेज का हो गया, ये कन्वेंस का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, या फिर ये फेयर का हो गया, सोप वगैरह, मिसलिनियस डाल दें, एक मिसलिनियस डाल भी सकते हैं, इस टाइप में हो जाए, टोटल लगा देते हैं
और हमारा यहाँ पर फिर आंसर सेंड हो जाएगा। ये इसका एक फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा, ये बड़ा बनता क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आपका आता है वो बहुत सिंपल सा। ठीक है, चलते हैं आगे और भी बताते हैं। देखिए एक होते हैं डीएमएल चेक, क्रॉस चेक और पे स्लिप, ये भी बता दें हम उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन में बताया देता हमने आपको। क्रॉस चेक क्या होते हैं, जो चेक होता है उसके लेफ्ट साइड पर दो क्रॉस लगा दिए जाते हैं, अब क्रॉस में आप उसका नाम लिख देते हैं तो सिर्फ उसी को अकाउंट पे हो जाता है, यानी कि अब जो बैंक है जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है सिर्फ उसी को ही पेमेंट करेगा। समझ गए, जैसे बीयरर, पहले बीयरर चेक चलते थे, बीयरर चेक माने जो चेक को बीयर करता था, माने जिसके पास चेक है पेमेंट उसे कर दिया जाता था। तो फिर यहाँ पर क्या है, थोड़े से फ्रॉड होने के चांसेस होने लगे, भाई किसी ने किसी का चेक अगर हमने चुरा लिया या किसी ने किसी ले करके चला गया तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो, इसीलिए क्रॉस चेक आ गए, उस पर क्रॉस कर दिया गया तो फिर जिसका नाम है उसी को मिलेगा। ठीक, देखो ठीक, पेन स्लिप ये सब जानते होंगे, ये बैंक इशू करता है। पेन स्लिप समझ लीजिए एक तरीके का एविडेंस है कि आपका कितना रुपया आपने निकाला, किसके लिए निकाला गया था, इसमें सारी बात लिखी हुई है, पेन स्लिप हो जाता है। आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर है इतना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की साइड पे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें। चलो अभी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो इंटरेस्ट अकाउंट में कितने डाले हुए हैं, 500 रुपीज, फिर है बस फेयर, पोस्ट पेज, कार्ड पे, कोरियर सर्विस है, स्टेशनरी, टेलीग्राम, ड्राइविंग एक्सपेंसेस, चौकीदार के भी एक्सपेंसेस हैं, सोप है, कैरिज है, टोंगा एक्सपेंसेस, पुली एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग है, टेलीफोन है, रिपेयर और स्टेशनरी है। समझ गए, अब ये सारे जैसे ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे, तो अब बस अब हम इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक, चलिए स्टार्ट कर, तो सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट पर लिखा जाएगा ये अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें, यहाँ अमाउंट रिसीव हुआ कितना 500। डेट हम डाल दे रहे 7234 करके हम कर दे रहे, बाकी डेट अपने हिसाब से आप उसमें लिखिएगा जिसमें डेट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो अब ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स लिखेंगे हम यहाँ पे, ये तो वाउचर नंबर फिलहाल अभी हम इसको तो लिख कर ही देंगे, वाउचर नंबर तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे 500 हमारे पास आए हैं टू कैश, ये 500 क्लियर है। आगे देखें, अब हमारे पास किसका फेयर आया, पहले सबसे पहले बस का फेयर, अब बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हम बाय करके लिखेंगे, बाय बस। अच्छा, अब हम इसको कैटेगरी कैसे बांटेंगे, यहाँ पे हम लिख दें सबसे पहले जैसे पोस्टेज की भी है इसमें, तो ये लिखेंगे पोस्टेज, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देते हैं, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और आ जाते हैं हमारे एक बैंक है कैरेज है, कैरेज के लिए है कैरेज है, और हम यहाँ पे इसको मिसलिनियस में डाल देते हैं, यहाँ पर रिमार्क्स भी आते हैं तो जरूरत है रिमार्क भी हमको चल रहे। बाई बस, बस का कितना रुपए है हमारे पास, बस का है हमारे पास टोटल 15 रुपीज़ का है ना। अब बस किसमें आएगी, बस इसका मतलब आएगी हमारी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो बस के सामने हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम ये सबको हटा करके 15 रुपीज़, सही है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 15 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे हम टोटल पेमेंट में 15, और वाउचर नंबर हम वाउचर नंबर में डैश लगा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलते हैं आगे, आगे पोस्टेज ये बाकी पोस्टेज बाय पोस्टेज पोस्टेज है हमारा 20 रुपीज़ का पोस्टेज हमने यहाँ लिखा हुआ है, टोटल पेमेंट में आपको टोटल पेमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कैटेगरी में आपको अलग अलग यहाँ पे देना होगा, 20 रुपीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, फिर आ जाते हैं हमारा कार्टेज, तो कार्टेज 20 रुपीज़ का है, 25 का है कार्टेज लिखेंगे यहाँ पर, पोस्टेज एंड कार्टेज एक साथ देखा, पोस्टेज एंड कार्टेज में देते हैं इसको, तो कितने रुपये का है ये 5 रुपीज़ का कार्टेज। ठीक, आगे चलते हैं, ये
कोरियर है हमारा 30 रुपीज़ का, तो वो तो इसमें आ जाएगा, पोस्ट पेज में आ ही जाएगा, पोस्ट पेज में 30 रुपीज़ से कोरियर आ जाएगा। बस ये देख लेंगे आप कि किस किस कैटेगरी में क्या आ रहा है। फिर स्टेशनरी आ जाता है, स्टेशनरी का तो हमने बनाया ही है अलग से, 30 रुपीज़ का। और स्टेशनरी में प्रिंटिंग और स्टेशनरी में डाल देंगे 30 रुपीज़। चलते हैं हमारे, फिर आ जाते हैं हमारे टेलीग्राम, टेलीग्राम में हमारे 15 रुपीज़ के। तो टेलीग्राम तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे 25 रुपीज के, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ लिखा हुआ है 25 रुपीज में। आगे चलते हैं चौकीदार, है ना। अब चौकीदार तो अपने कहीं पर भी नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो चौकीदार के लिए हम जरूर हम उसको मिसलिनियस में डालते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं बनाएंगे उसको हम वहाँ डाल देंगे, उसको हम मिसलिनियस में डाल देंगे 50 रुपये का। उसके बाद सोप है, सोप भी हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है, सोप भी 20 रुपये का हम मिसलिनियस में डाल देंगे। टोटल में भी लिखेंगे और मिसलिनियस में डाल देंगे। फिर आ जाते हैं हमारे कैरिज है, कैरिज है हमारा 25 रुपीज़ का, तो कार्टेज एंड कैरिज में ओके। उसके बाद आ जाते टोंगा, टोंगा तो उसमें आ ही जाएगा कन्वेंस में, टोंगा है हमारा 25 रुपीज़ का। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में टोंगा भी देते हैं, समझ आ रहा है। त्रिपुरी आ जाता है हमारा 22 रुपीज़ का, प्रिंटिंग है। अच्छा, प्रिंटिंग तो नहीं लिखा हमने, हाँ फोटो भी लिखना जरूरी हो जाता है। है ये बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टाइम टेकिंग है ये, क्योंकि एनालिटिकल है ना, हमको ये आता जरूर है, पेपर पेपर में जरूर आता है। प्रिंटिंग इतने रुपीज के 28 रुपीज की है, ठीक है। 28 रुपीज़ की प्रिंटिंग और दिखा देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने दिखा रखी है, यहाँ दिखाएंगे 28 रुपीज़ की। चलते हैं आगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन हमारे यहाँ 15 रुपये के, तो पोस्टेज में टेलीफोन भी आ जाएंगे, 15 रुपये के लिए आ गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रिपेयर, और रिपेयर थे हमारे 40 रुपीज़ के, रिपेयर के लिए कुछ नहीं, इसलिए इसमें हम लोग शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल में भी लगा देंगे 40 रुपीज़ के। और लास्ट आ जाता है हमारे फिर से स्टेशनरी, कितने रुपीज़ का है, 25 रुपीज़ का, हाँ बढ़ते 25 रुपीज़ का, और ये सही है, क्लियर है मेरी बात। बस अब हमारे इतना तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। ये देखिए टोटल हमें यहाँ पे लिखना होगा जितना जितना हुआ है, और उसके बाद इसको सेपरेट भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट हम मेंशन कर देंगे सब तक, जैसे पोस्टेज है पोस्टेज से रिलेटेड ही आएंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी से रिलेटेड, ट्रैवलिंग है, कैरिज में इसलिए मिस डाल देंगे आप, और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इसको और सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए बस अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हम टोटल पेमेंट का पहले टोटल लगा देंगे यहाँ पर, कितना टोटल पेमेंट हो गया हमारा सारे ही, और इन सब का भी सेपरेट टोटल लगा देंगे। जैसे इसका है 110 72 65
इतनी ही, और ये हो गया हमारा एक, सही है ये। और हमने इसका भी हम बॉर्डर लगा देंगे, ये हमारा बन जाता है 410 रुपीज। ठीक है, इट मीन 500 रुपीज हमने अमाउंट इंप्रेस्ड अकाउंट में डाले थे और उसमें हमारा 410 रुपीज का टोटल खर्चा हुआ है। इसका मतलब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचे हमारे 90 रुपीज, जो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर दीजिए। समझ गए इसको, यहाँ पे भी इसमें जब फिनिश हो गई टोटल लगाने के बाद, आप 500 में से हम बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 500 ऐसे लिखेंगे टोटल लगा के, यहाँ पर 500 तो यहाँ पे लिख देंगे 90, जो हो जाएगा हमारा टोटल बैलेंस विदी जो ब्राउ डाउन किया जाएगा वही हो जाएगा हमारा 410 रुपीज का, 410 रुपीज का वो कैश हो गया। ठीक है, हो गया आपका इतनी, बस इतना यहाँ पे और लिखा जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और स्पेशल कुछ भी नहीं, यहाँ डेट जरूर मेंशन कर लेना, जैसे हम कर देते हैं दो, उसके बाद हर एक डेट के अलग अलग कर देते हैं। हम डाल दे रहे हैं इस डेट जो अभी आपके क्वेश्चन में मेंशन है आप वही डालेंगे। ठीक है, बस और वाउचर नंबर हो गया, ये टोटल पेमेंट हो गया, पेमेंट टोटल लगा देंगे आप इसमें से लेस कर देंगे और बैलेंस निकल आएगा, बैलेंस आपको नेक्स्ट मंथ के लिए आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, बस इतना। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं, और आपके एनालिटिकल पेटी कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी और एग्जाम में ये जरूर आती है आपके। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा। ओके चिल्ड्रन, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन टेक केयर, गुड बाय।